नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है ये तीन ट्रिक लगा के, चाहे आपने आज ही क्यों ना ज्वाइन किया हो नेटवर्क मार्केटिंग को, लेकिन अगर आपने ये तीन ट्रिक लगा ली तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अगले तीन साल के अंदर। ये तीन ट्रिक को बड़े ध्यान से समझना और इम्प्लीमेंट करोगे तभी कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। सिर्फ सुन के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका समय खराब होगा। तो एक एक करके तीनों पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट्स याद रखना, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ट्रेनिंग जब तक नहीं लोगे दुनिया का कोई काम कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब ट्रेनिंग क्या क्या लेनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, इन्वाइट कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, टीम मैनेज कैसे करनी है, ट्रेनिंग कैसे देनी है, प्लान कैसे देना है। और गुड न्यूज ये है कि आपको ये सारी ट्रेनिंग मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। जो भी ट्रेनिंग चाहिए आगे मेरा नाम लिख देना, आपको वो ट्रेनिंग मिल जाए। सपोज दैट आपको इनविटेशन की ट्रेनिंग चाहिए, आप इनविटेशन नाम लिखो, आगे पूनम मुन नाम लिख देना, आपको वो सारी ट्रेनिंग मिल जाएगी जो मैंने इनविटेशन से रिलेटेड बना रखी है। फॉलोअप के चाहिए तो फॉलोअप लिख के मेरा नाम लिख देना, पूरे मास्टर बन जाओ। और दोस्तों जब भी ट्रेनिंग लेनी हो पूरे कंसंट्रेट होकर ट्रेनिंग लेना, नोट्स बनाना, ईयरफोन लगा के सुनना। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बुक्स रीड करना पड़ेगा। जब तक बुक्स रीड नहीं करोगे तब तक नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। बुक्स रीड करने के बाद ही असल में ये इंडस्ट्री आपको समझ आएगी। बुक्स रीड क्या क्या करनी चाहिए, चार बुक्स बताता हूं, सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। पहली बुक्स द बिजनेस स्कूल जरूर पढ़नी है, रिच डेड पुअर डेड आपको जरूर पढ़नी है, लोक व्यवहार जरूर पढ़नी है, सवाल ही जवाब है ये भी जरूर पढ़नी है। ये चार बुक्स आज ही ऑर्डर कर दो अगर आप जीवन में बहुत कामयाब होना चाहते हैं। आज से आपने एक साल पहले शुरू किया है तो भी ये चार बुक्स पढ़नी है, आज शुरू किया है तो भी ये चार बुक्स पढ़नी है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, टारगेट बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो सिर्फ समय खराब कर रहे हो। अगर अगला लक्ष्य क्लियर नहीं है कि अगले महीने क्या करना है, अगले तीन महीने के बाद क्या करना है, अगले एक वर्ष के बाद आपको क्या करना है, अगर ये क्लियर नहीं है तो समय खराब कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग अभी अभी अगर ज्वाइन किया है तो कोई फायदा नहीं होगा। इस महीने आपको कितना पैसा चाहिए, 20,000 चाहिए, लिख लीजिए 20,000 के लिए कितना काम करना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अपलाइन को पूछिए कि सर इस महीने 20,000 कमाना चाहता हूं क्या करना पड़ेगा। अपलाइन आपको पूरा गाइड करेगा, उसकी ड्यूटी है, वो पूरा गाइड करेगा और ऑनेस्टली गाइड करेगा और उसको आप अचीव भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप तीन महीने की प्लानिंग करिए कि अगले तीन महीने में आपको क्या परचेज करना है, क्या खरीदना है, क्या गोल है, क्या एम है। उसके बाद अगले एक साल की, कि अगले एक साल के अंदर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या चाहिए। और फाइनल डेस्टिनेशन, अगले 5 साल की आपके पास प्लानिंग है तो नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर आपके पास इन 5 सालों की पूरी प्लानिंग है कि मुझे क्या करना है, बीच में आंधी तूफान नेगेटिविटी कुछ भी आए 5 साल तक क्विट नहीं करना है, इस लेवल का डेडिकेशन, इस लेवल का जज्बा अगर आपके पास है तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त एक ही है, अगले 5 साल आंधी तूफान नेगेटिविटी कुछ भी आए आपको छोड़ना नहीं है। अगर नहीं छोड़ोगे बाय डिफॉल्ट आप करोड़पति, हेल्दी करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति मार्केट में बहुत सारे हैं जिनके ऊपर इतना स्ट्रेस है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन यहां का करोड़पति एक हेल्दी करोड़पति होता है दोस्तों। अगर आपके पास 5 साल की प्लानिंग नहीं है तो आज से ही अपनी 5 साल की प्लानिंग बना लेना। अगले 5 साल में कहां पहुंचना है, क्या अचीव करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें प्लानिंग कर लीजिए। एक डेस्टिनेशन बना लीजिए, एक ऐसा ड्रीम ले लीजिए जो 5 साल में पूरा हो सकता है, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लाखों लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन क्यों कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है ये तीन पॉइंट। या तो उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, या उन्होंने बुक्स रीड नहीं करी, या उनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया, या उनके पास टारगेट नहीं है। तो ये तीन पॉइंट आपको भी फॉलो करने हैं। आपकी टीम में कोई भी इंसान जुड़े डे वन से ये तीन चीजें जरूर बता देना ताकि आपका भी समय खराब ना हो
उसका भी समय खराब ना हो। आज का वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, इस वीडियो से हो सकता है किसी का लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हो सकता है वो अपने 5 साल का टारगेट फिक्स कर ले, हो सकता है 1 साल का टारगेट फिक्स कर ले। क्योंकि जब तक आपके पास लक्ष्य टारगेट नहीं होगा तब तक रास्ता समझ नहीं आएगा। मैंने ये बात कई वीडियो के अंदर बोली है कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ क्लियर करने के हजार ऑप्शन है। हाउ क्लियर करने में आप कोई भी ट्रिक्स लगा सकते हैं, लेकिन वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाउ क्लियर तो कभी भी कर सकते हैं कि काम कैसे करना है, ये तो ट्रेनिंग कभी भी ली जा सकती है, लेकिन जब तक वाई क्लियर नहीं है एक चैलेंज आएगा आप छोड़ के जाओगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वाकई ये वीडियो अच्छा लगा, अगर वाकई ये वीडियो शेयर करने के काबिल हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव कर रहे हैं ये कमेंट भी करना कि 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि 1 साल की कर रहे हैं कि 1 महीने की कर रहे हैं कि 3 महीने की कर रहे हैं और आपने कब ज्वाइन किया ये भी जरूर बताना। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।